की ज्ञात है कि 1998 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट जो नियुक्त किया था, जिस प्रोजेक्ट के अंडर ये न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई है पुरानी पेंशन को हटा के, तो उस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को जब हम बड़ी केयरफुली पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि उसमें ये लिखा गया है कि कर्मचारियों की एज लगातार बढ़ रही है, नौकरियों की संख्या घट रही है और प्राइवेट कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कम हो रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि प्राइवेट कंपनीज़ की इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए न्यू पेंशन स्कीम लागू की। न्यू पेंशन स्कीम एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये नो पेंशन स्कीम है और ये अमेरिका से इसका आइडिया लिया गया है। अमेरिका में प्राइवेट कंपनीज़ का टैक्स बचाने के लिए एक स्कीम चलाई गई थी, जिसको इन्होंने इंडिया में क्या किया कि न्यू पेंशन स्कीम बना के सरकारी कर्मचारियों का 10% सैलरी का हिस्सा काट के प्राइवेट कंपनीज़ को दे दिया, ताकि ये इनकी इन्वेस्टमेंट लगातार चलती रहे। तो आज जैसे कि पूरे देश में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत सभी सांसदों के घर में एक दिन का उपवास किया जा रहा है। उपवास इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब हम भी राज्य सरकार के पास जाते हैं तो राज्य सरकारें कहती हैं कि ये केंद्र का मुद्दा है, लेकिन हम बेसिकली देखें यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट को देखें तो हमें समझ में आता है कि पेंशन का मुद्दा यूनियन लिस्ट में भी है और स्टेट लिस्ट में भी है, लेकिन स्टेट जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए हम नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम की जो नेशनल की टीम है उसने ये निर्णय किया है कि जब बेसिकली सभी दोषारोपण कर रहे हैं सेंटर सरकार के ऊपर, तो क्यों ना सांसदों के घर के सामने एक दिन की भूख हड़ताल करके उनको शीत निंद्रा से उठाया जाए और पुरानी पेंशन लागू करवाने के लिए हमारा प्लान है। और आगे अगर सरकार नहीं सुनती है, जैसे कि आप जानते हैं कि 2019 में अभी लोकसभा इलेक्शन पास में है, तो सरकार अगर इसके ऊपर कोई निर्णय लेती है और पुरानी पेंशन बहाल करती है तो हम सरकार के साथ हैं, नहीं करती है तो हम जिन लोगों को हमने सांसद में पहुँचाया है तो उनको हम सांसद से बाहर निकालने में भी पूरी तरह सक्षम है। थैंक यू।